नमस्कार दोस्तों, आज बताता हूँ हमारी जीवंतता का रहस्य क्या है, कैसे मैं खुश रहता हूँ, कैसे लोगों से दोस्ती है और कैसी दिनचर्या है, और ऐसे तमाम झंझावात से जूझते रहता हूँ और कोई दिक्कत नहीं आती है, सेहत पर कोई असर नहीं होता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही दोस्त मिल गए हैं जिन्होंने देख करके पहचान लिया है हमको और कहा है कि आपकी वीडियो देखता रहता हूँ। शुभ नाम आपका? ये हमारा नाम महेंद्र प्रसाद पटेल। जी जी जी, ग्राम बगसपुरा, पोस्ट कुंडीसा, जिला गाजीपुर। अच्छा, कब से हमको देखते हैं आपको? लगभग हम 4 वर्ष से देख रहे हैं। अच्छा, 1 वर्ष हो गया लगभग। तो देख करके पहचान गए हैं। हाँ सर, आपको कौन नहीं पहचानेगा, का सोसाइटी इतना मने प्रबल है कि देख कर दिल बाग बाग होता है। कभी कभी हम गुस्से में भी वीडियो करते हैं, चेहरे पर गुस्सा आ जाता है सर। लेकिन आप उचित बात करते हैं, आप अनुचित कभी बात नहीं करते सर। जी हाँ, तो कैसे आप देखते हैं, बच्चों से कहते हैं खोलने के लिए, क्या कहते हैं? नहीं हाँ हाँ, जब भी आपके बच्चे हमारे हैं, 3-4 मोबाइल भी है घर पर, लेकिन जब वो खोलते हैं आप कोई वीडियो दिखाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमको दिखाइए देवी जी का वीडियो। अच्छा, क्योंकि वो जो भी बात कर बताते हैं, लोगों को सुनाते हैं तो सर एकदम सही बात बताते हैं और सही जो है उसका रिपोर्ट देते हैं। हम इसलिए बहुत खुश रहते हैं कि देवी जी के ऊपर। अच्छा, तो हाँ। आप किसानी करते हैं, खेती करते हैं? सर किसानी भी करते हैं और इससे थोड़ा समाज में भी रहते हैं। समाज में भी रहते हैं, दोनों काम बहुत अच्छा। किसान तो भगवान है एक तरह से, वही प्रतिपालक है, लोगों के जीवन की रक्षा करता है, अन्न उपजाता है। यहाँ सबसे खतरा क्या है फसलों के लिए? सर फसलों के खतरा तो ये है कि बिजली बहुत कम रहती है सर। अच्छा, पानी? हाँ, पानी का बहुत ही प्रॉब्लम है, पानी के बिना फसल सूख जाती है। अच्छा, जानवरों से भी खतरा है? हाँ, जानवरों से भी खतरा है सर। जैसे ये जो सांड वगैरह है, बछौटे बहुत ज़्यादा है, वो बहुत हानि पहुँचाते हैं सर। जंगली सुअर भी इधर है? हाँ, बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। रात को आदमी डर के मारे निकलता नहीं है। देखिए एक बार मैं फसलों को इधर सिवान दिखा देता हूँ, इसे आप देख रहे हैं जी सर, और इधर सुअर आते हैं, जंगली सुअर रात को बहुत ज्यादा, रात को बहुत ज्यादा आते हैं। झुंड का झुंड भी माने जल्दी 50-100 के झुंड में रहते हैं। अच्छा। डर का मारे कोई करता नहीं, और वो समझे 1-1.5 किलो का क्विंटल का क्विंटल के हैं। हाँ, अच्छा, दांत भी निकला होता है? हाँ, दांत भी निकला होता है सर। बहुत आदमी को मार दिए हैं, जंगली सुअर खुद मार दिया था। जंगली सुअर बहुत नुकसान करते हैं, जान भी ले लेते हैं, लोगों को घायल कर देते हैं, बड़े खतरनाक हैं, और दौड़ा करके मारते हैं। हाँ, दौड़ा के मारते हैं। आपका शुभ नाम? सिद्धनाथ यादव। अच्छा, सिद्धनाथ यादव जी, आप लोगों के यहाँ शौचालय उचालय नहीं बनाया अभी तक? अभी कुछ नहीं सर, ये सुविधा कुछ नहीं है समझ लीजिए सर, और आने जाने के लिए भी सुविधा है, रोडें भी कच्ची है, आप देख रहे हैं सर, आप बताना क्या है? यही विकास सर, आ जाइए इधर आ जाइए, बिल्कुल बहुत दिक्कत है सर हमारे गांव में। चलिए कुछ बताना चाह रहे हैं। कोई लाभ नहीं। हमारा नाम ओम प्रकाश यादव, घर बकसपुरा, पोस्ट कुंडीसा, जिला गाजीपुर। तो क्या स्वच्छता अभियान पर क्या आप यहाँ शौचालय नहीं बनाएंगे किसी का? शौचालय बना है नहीं बना है इसका उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। जब सुबह शाम शौच का समय होता है, कोई वीडियो वाला, कोई कैमरा वाला, कोई पत्रकार आ जाता तो देख लेता है कितना शौचालय बना है। स्वच्छता अभियान भले ही चरण सीमा पर है कागज में, लेकिन हमारे गाँव में अब तक किसी भी निधि से एक भी सरकारी शौचालय अब तक नहीं बना है। शौचालय तो ऐसे बने हैं चारों तरफ, भले ही स्तरीय न हो, और कमीशनखोरी जबरदस्त हुई है, उसमें हिस्सा सेक्रेटरी का, बीडीओ का, प्रधान का, और जो मिला उससे उसमें भी कुछ दलाल, गांव-गांव में भी दलाल हो गए हैं। अभी एक दुखद पक्ष है, दलालों का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है, और शौचालय ऐसे बने हैं जिसमें गरिमा के साथ मतलब शौच नहीं किया जा सकता। एक और बात है, अब सवाल लोग करेंगे कि भैया सरकार ने तो 12,000 का किया, चलिए 12,000 में 9,000-8,000 मिल जा रहा है लाभार्थी को, लोग लगा के क्यों नहीं बनाते? आप लगा के बनाएंगे तो पेमेंट नहीं होगा, यह भी है उनका मानक है कि इतना गड्ढा ऐसे ऐसे। तो चलिए, अच्छा लगा, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए, आप हमको देखते हैं और हमको आप बताते भी रहिएगा, गलती भी होती है नहीं, तो आपका अधिकार बनता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि गलती आपसे नहीं है। देखिए, भगवान राम ने कहा था, जो अनित कछु भाखो भाई तो मोहि बर जाओ भाई बिसराई। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो हमें डांटने का अधिकार है लोगों को। तो मैं राजा तो नहीं हूँ, नहीं भगवान राम हूँ, सम्राट अशोक ने कहा था यदि हम रनिवास में भी रहे तो भी प्रजा का अधिकार है कि हमें छेड़ सकता है। तो इस तरह का ना आप प्रजा है ना हम राजा है, हमारे मित्र हैं,
और हमारे कुछ लोग अग्रज हैं, हमसे कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। देखिए इधर खेती आप देख रहे हैं, यह क्या है, लतरा है, मूंग है, अच्छा मूंग है, इसमें कुछ और भी है, कुछ खीरा क्या, ककड़ी, ककड़ी, देखिए यह है मूंग, मूंग का लड्डू बड़ा बढ़िया होता है, मूंग की दाल भी अच्छी होती है, मोतीचूर कहते हैं इसे, हाँ, और बहुत अच्छा होता है मूंग। इधर चरी है, हरा चारा जिसे पशु खाते हैं। इधर एक डीजल पंप सेट आप देख रहे हैं, और इधर बबूल के कुछ वृक्ष हैं। सुअर आते हैं, जंगली सुअर, सुअर बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा सुअर तो शाकाहारी होते हैं ना, देखने में तो शाकाहारी है लेकिन वो बहुत हिंसक, बहुत हिंसक, हिंसक बहुत, आलू खत्म कर देते हैं, ये सब जजात फसल, हर फसल को नष्ट करते हैं। अच्छा रात रहते कहाँ है, दिन में कहाँ, जंगल में, मैंने ये जो सरपत वगैरह लगा हुआ है थोड़ा जंगल टाइप है, उसमें कहीं छिपे रहते हैं, दिन में तो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन रात को झुंड को झुंड दिखाई देते हैं, रात को दिन में बाई चांस कोई दिखाई देता है। सांड, छोटे बछड़े और सांड से, हाँ सांड और जंगली सुअर से काफी परेशानी है, परेशानी बहुत परेशानी है। करैल कहा जाता है ना, नहीं नहीं ये बाढ़ है, बाढ़ है, हाँ सर, इसके बगल में करैल, बगल में करैल, तो उधर निकलने पर बरसात में निकल नहीं पाता है, उधर तो बरसात में जा ही नहीं सकते हैं, हाँ उधर नहीं जा सकते, क्योंकि उधर का भी रोड वो ऐसा नहीं है कि आदमी जा सकता है। और मिट्टी लग जाती है तो छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं, पैर पकड़े तो उसी एक घंटा खड़ा रहना पड़ेगा आपको, साइकिल लेकर अगर जा रहे हैं, साइकिल लेकर सर जा रहे हैं, हंसने की बात नहीं, सर हंसने की बात कर रहा हूँ, साइकिल अगर साइकिल वगैरह कोई साधन लेके जाता है तो फिर अगर एक बार फंस गए तो शाम तक दो चार दिन वहीं रुकना पड़ जाएगा। चलिए बरसात में अगर ठीक ठाक रहा, हाँ। तो कभी हम भी करैल आपको दिखाएंगे, हाँ। करैल में आदमी फंस जाता है, हाँ। तो निकलेगा, हाँ, उस वक्त आप गाड़ी लेके आइएगा, एक बार फंसेंगे हम लोग, हमारी कोई गाड़ी तो है नहीं, जो भी साधन होगा आएंगे, हमारे पास वो भी चोर भाई ले गए, तो हमारे पास कोई गाड़ी है नहीं, कहेंगे गाड़ी हम लोग भेजेंगे, नहीं नहीं ऐसे ही होता है, कोई वहाँ से वहाँ, कोई वहाँ से गाड़ी लेकर हम आएंगे, छोड़ देता है इसलिए ऐसे, और आप ही जैसे हम जानते हैं कि आप गरीबों का मसीहा है, गरीबों का मसीहा, आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आप गरीबों के लिए जान देते हैं, लेकिन जो मिला है वह किसी को नहीं मिला है, जो आप लोगों से मिला है नहीं मिलेगा। अच्छा लगा दोस्तों, आज हमारे वरिष्ठ साथी श्री महेंद्र पटेल जी के साथ हमारी मुलाकात हुई, रास्ता चलते इन्होंने पहचान लिया, रुक गए, सर पर गट्ठर लिए थे, क्या लिए थे आप बोरिया में, वो पशुओं का आटा लिए, अच्छा पशुओं का आटा लिए थे, रुक गए और फिर बातचीत का एक सिलसिला चढ़ पर, वीडियो कहीं खोजने नहीं जाता हूँ, ऐसे ही मिल जाता है, ऐसी खेत खलियान सेवा, तो वास्तव में आपका बढ़िया है सर, हर वीडियो देखा हूँ, ठीक है, धन्यवाद आपको, सभी को नमस्कार।